हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे ना एक्चुअली क्या हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ना लू लग गई है। बहुत गर्मी में घूमी हूँ और अभी भी निकली हूँ मैं, पापा जी के साथ ही जाऊँगी, अभी यहीं दुकान तक ही जा रही हूँ, पैसे डाल लिए हैं पर्स में। मुझे बहुत ही बहुत बहुत तेज़ एंग्जाइटी हो रही है इस टाइम, बहुत तेज़ एंग्जाइटी हो रही है और आप नहीं समझोगे, जिनको होती है वो समझ सकते हैं। तो मैं दुकान से कुछ चॉकलेट वॉकलेट लाऊंगी, चॉकलेट से ना मेरा ठीक हो जाता है, थोड़ा एंग्जाइटी लेवल सही होता है, मेरे को पता है। या मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना जिसे, उससे भी ठीक हो जाता है, बट अभी कॉफ़ी भी ख़त्म हो रखी है, घर में नहीं है, मैं सारी पी गई पिछले 5-6 दिन से हो रही है मुझे। मैं ना पता क्या होता है, जब मैं बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेती हूँ ना, मेरी तबीयत ऐसी ही रहती है, फिर करती रहती हूँ काम तो सही रहती हूँ। तो अभी पापा जी आए हुए थे तो मेरे को वहाँ छोड़ देंगे, बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, अजब अजीब सा हो रखा है। गर्मी ज़्यादा लग गई, तबीयत इतनी ख़राब, सुबह सो के उठी हूँ, उठने के बाद ना मेरे अभी भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, सुबह मेरी ऐसी हालत थी, सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था और मैं मम्मी को बोली, मम्मी आप संभाल लो आज घर का काम, मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी सही में, चक्कर इतनी तेज आ रहे थे मेरे को, मैं लेटी रही। और अभी देखो करीबन 1 बज रहा है दोपहर का, अब जाके थोड़ी बस नहा ली थी मैं, नहाने के बाद अपना पजामा लोवर टी शर्ट चेंज कर लिए थे, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा ये होता है ना, बंदा थोड़ा फ्रेश फील करता है, थोड़ा अच्छा महसूस करता है। और अभी भी अंदर से जान नहीं आई, ऐसा लग रहा है बॉडी से तो जान निकल गई हो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, एक ही दम से हो गया, हीट लग गई मुझे लग रहा है, गर्मी ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी में घूमी फिरी हूँ, अभी भी देखो धूप में ही घूम रही हूँ, कितनी पागल हूँ। एक बार जाती हूँ मैं दुकान से, कुछ ले आऊँगी ना आराम से, फिर लेटूंगी मैं, बस लाऊंगी खाऊंगी, कोई काम नहीं करना मुझे, बस रेस्ट करूंगी मैं आज बुरा दिन, क्योंकि एक दिन ढंग से आराम करूंगी ना तो थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगी, जल्दी ठीक होऊंगी, रिकवर होना है फिर। तो दुकान पे हम आ गए हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। तो बिस्किट लेते हैं, कौन से हैं, ये वाला एक बिस्किट का पैकेट ले रही हूँ मैं पापा जी, ये ले रहे हैं, और देख लो आप क्या ले रहे हो, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, आपको पूछना पड़ेगा, बाकी देखती हूँ क्या लेना है। गर्मी के लिए मैं ले रही हूँ, बहुत तेज गर्मी है, 2 ले लेती हूँ, पी जाएगी अभी, पी लूँगी हजार की, अच्छी लग रही है ये वाली, पीने का मन कर रहा है, मीठा मीठा सा, इसमें तेज होता है बट अच्छी लगती है। बिहान के लिए चॉकलेट ले लेते हैं हम, अपने लिए भी लूँगी, बिहान के लिए तो मैं छोटी वाली लेती थी, नज़र नहीं आ रही, थोड़ी कुछ थोड़ी ले लेते हैं। यहाँ से पहले मैंने चॉकलेट निकाली थी, फिर मैंने वापस रख दी, क्योंकि ना वो 10 रुपये वाली ख़त्म हो रखी थी चॉकलेट। मैं विहान के लिए छोटी वाली लेती हूँ, 10 वाली लेती हूँ, 20 वाली नहीं लेती हूँ ज़्यादा, वरना वो पूरी खा जाता है और फिर फ़ायदा भी क्या है। तो मेरे को लगा चलो मैं टॉफियाँ ले लूँगी विहान के लिए 2-4, तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, ये वाली मुझे कैडबरी की टॉफ़ी थी, ये मुझे ज़्यादा ठीक लगी, ये सॉफ्ट सी होती है, चॉकलेट फ्लेवर में होती है, तो मैंने विहान के लिए ये ले ली थी। और मेरा ना यहाँ दिल नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था मैंने 2 बोतल फेंटा की ली, मुझे एक ही लेनी चाहिए थी, मैं क्यों इतने पैसे खर्च रही हूँ, मेरे माइंड में बार बार आ रहा था, मीन्स होता है मैं कुछ भी सोचूँ। ये देखो ना बिस्किट का पैकेट भी मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया है, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं कुछ और तो ले नहीं रही हूँ, मैं जैम के पैकेट ले लेती हूँ, ये 5 रुपये का एक था, तो जैम अच्छी लगती है, विहान को पसंद भी है खाने में, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पैकेट जैम की ले ली थी, देख लीजिए। और मेरे पापा जी मुझे बोल रहे थे कि तूने विहान के लिए चॉकलेट नहीं ली, और ये देखो मैंने फेंटा उठा के वापस रख दी, मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने कहा ज़्यादा रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन मैंने फिर कुछ और ले लिया था,
आपको मैं बाद में दिखाऊंगी वीडियो में। तो यहाँ पापा जी बोल रहे थे ये 10-10 रुपए वाली डेयरी मिल्क है, ये ले लेना, किटकैट तो ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने यहीं पर ही देखी छोटी सी 10 रुपए की किटकैट, ये डेयरी मिल्क विहान के लिए मैंने खरीद ली थी। इसके बाद मैं वापस गई थी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वाला जो हमारा सेक्शन है, और मैं ये वाला ना ट्राई करके देखना चाह रही थी कि कैसा है। ये 10 रुपए का था और फ्रूट फ्लेवर था, ठीक ही ठाक था। मींस ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा ऐसा भी नहीं था, ठीक, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बेकार भी नहीं। और ये मैं हमेशा पीती थी लेकिन मैंने नहीं ली। मैं सोच रही थी मैं एक ले लूँ, ये 30 रुपए की एक आती है अमूल कूल की बोतल, ये कॉफ़ी होती है, कोल्ड कॉफ़ी होती है, इसमें होती तो अच्छी लगती है बट मतलब ख़त्म इतनी जल्दी हो जाती है, थोड़ी सी होती है इसमें बिल्कुल ही। फिर पापा जी यहाँ कह रहे थे कस्टर्ड ले ले, मैं कहा पापा जी कस्टर्ड ना मैं अगले महीने ना मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी ऑनलाइन, मुझे मतलब मैं मंगवा दूँगी, आप पैसे मत खराब करो। तो पापा जी यहाँ पे ना विहान के लिए एक दो वो ले रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, हाँ लॉलीपॉप बोलते हैं ना, ये ले रहे थे। ये ऑरेंज फ्लेवर में लिया था एक, एक ये दूसरा फ्लेवर था, तो ये दो ले लिए थे। तो ये देखिए ये सारा हमारा सामान था कुछ जो हमने यहाँ पे लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, देख लो मेरे से नहीं मन किया ज़्यादा लेने का, मेरे को लगा क्यों इतने पैसे ख़राब करने। अभी आगे बहुत 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 सारे खर्चे हैं, एक खर्चा हो तो बात अलग है, बहुत सारे खर्चे हैं मेरे ऊपर मुझे जो कि निपटाने हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं खर्च रही। सामान ले लिया है, मैं कितना भी सोच लूँ ना मेरे को बड़ा गिल्ट फील होता है अगर मैं ज़्यादा पैसे इन चीज़ों में खर्च देती हूँ, मतलब जैसे ये टाइम पास की चीज़ें होती है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी देख के ही खर्चती हूँ। जैसे मैंने ना अभी कल परसों ना अमूल वाली वो पी ली कोल्ड कॉफ़ी, 30 रुपए की थी, मुझे बाद में बड़ा बुरा लगा घर जाके, मुझे लगा मैं घर पे कितनी भी बना सकती हूँ, फ्रिज में ठंडा दूध रखा होता है और मुझे बनानी भी आती है, फिर भी मैंने इतनी सी मिलती है बिल्कुल ही। पापा जी घर में कितनी कोल्ड कॉफ़ी बना लो, बहुत आसान होती है बनानी, तो मुझे बड़ा फील हुआ। अब मेरा सोच के तो आई थी मैं 70-100 रुपए की चॉकलेट जरूर लूँगी, लेकिन मेरे से नहीं ली गई, मेरे को लगा छोड़ना कहीं और पैसे काम आ जाएंगे, क्या है चॉकलेट तो चॉकलेट होती है। मैंने छोटी सी ली 10 रुपए वाली, और मैंने देखो कोल्ड ड्रिंक भी कितनी छोटी सी बोतल ली है, मेरे से बिल्कुल नहीं होता मतलब कि ना हाँ बड़ी बोतल मंगवा लूँगी, लगता है क्यों पैसे ख़राब करने हैं यार। अभी अभी 75 रुपए का सामान आया है, चलो ठीक है फिर भी इतना ज़्यादा नहीं खर्च किया, वरना ये रहता है यार कि मतलब आप सोचो खर्च करने को तो बंदा कितने भी पैसे खर्च कर ले दुकान पे जाके, मतलब अच्छा ही लगता है चॉकलेट्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक पता नहीं क्या क्या मिलता है, बट फिर भी थोड़ा सा ना कंट्रोल करके चलना पड़ता है, घर को भी देख के चलना पड़ता है कि इतने सारे खर्चे हैं। दूध का बिल आता है हमारा 3300-3400 रुपए तो सिर्फ हमारा दूध का बिल आता है, तो देखो इतना दूध आने लग रहा है, तो दूध की कोई चीज़ घर पे ही बना लो ना, इसीलिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी नहीं ली, मैं सोच रही थी ले लूँ, मैं घर पे बना लूँगी पी लूँगी इतना दूध रखा है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, पापा जी दूध खोल के कोल्ड ड्रिंक घर जाके ले लेना पी लेना है ना, अभी तो गर्मी है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मैं विहान को अच्छा हुआ नहीं लेकर आई, पापा जी ने मना कर दिया, बोलते लू चल रही है रहने दे, मैं कहा पापा जी आना जाना ही करना है, पापा जी बोलते इतने में ही लग जाती है छोटे बच्चे के तो गर्मी, मेरी ही लगी पड़ी है, मैं खुद बीमार बैठी हूँ, तभी तो मेरा मन हो गया कुछ झटपट सा खाने का, मतलब गर्मी बहुत लग रही थी सही मायने में। तो घर जाती कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, थोड़ी सी जान में जान आएगी, बस गर्मी इतनी है क्या करे ना, रो रहा था। अरे मेरी बाबू मेरे से रूची रूची होगी, आदि मम्मा तो देख कर ले चीजी भी लाई इतनी सारी, अब तो मेरी बाबू हंसेगी, खुश हो जा, क्या खाएगी ले ले, क्या चाहिए पसंद है चीजी, देख तेरे लिए लेके आई ना मम्मा स्पेशल गर्मी में जाके, देखो फेस पे स्माइल देखो मेरे रानू के, कौन सी चीजी पहले खाओगे हम्म, ओ जो लेना है ले लो, मैं तो मम्मा ये पी रही है थोड़ा सा, ठीक है ले लो एक पूरा पैकेट ही ले लो आप ले लो ले बेटा, मम्मा आपके लिए तो कमाती है, आप ही के लिए लाएगी, खा लो जो खाना है। ये मम्मी कह रहा है जूस पिलाओ मेरे को, ये है तो आर्टिफिशियल जूस 10 रुपए का है, पिला दो मम्मी, हम ये वाली पियेंगे बोतल, ए खुलती नहीं है, खुल गई, बिस्किट भी खोलूंगी, ले बाबू थोड़ा सा तुमको पीना पी ले फिर मैं पीऊंगी, ये पी लो, इसे पिला ले, पाइप लेना नहीं इसके, पाइप से पाइप है इसमें, ऐसे ही पिएगा बस, नहीं वो कल खा लेगा, ले बाबू मैंने ये खोल दिया, ये वाली नहीं पी रहा,
लिमका पी लो, मेरे को ना लिमका भी पसंद है, मुझे वाली भी पसंद आती है गर्मी में। हाय कूलर चला दिया मम्मी ने तो आज, आज तो डिफरेंट काम हो गया। मम्मा आपने कूलर चला दिया दिन में, मेरी मम्मा ना दिन में कूलर नहीं चलाने देते, कहते हैं रात को ही चलाया करो, बिल आता है बिजली का। और सुबह भी मेरी मम्मी 4 बजे बंद कर देते हैं मेरा कूलर, क्योंकि ठंडा मौसम होता है ना मम्मी सुबह के टाइम। मम्मी कह रहे 5 बजे बंद करती हूँ मैं, मम्मी को ना नींद में कह रही होती हूँ मम्मी आपने मेरा कूलर बंद कर दिया, मैं बोलती ठंडा मौसम हो रखा है। आप भी बताइएगा किस किस के घरों में ऐसा होता है कि सुबह 5 बजे मम्मियाँ कूलर बंद कर देती हैं और दिन में भी कमी चलाते हैं। आज तो विहान रो रहा था चलाया, वरना कमी मम्मी नहीं चलाने देते, कहते फालतू में बिल बहुत आता है कूलर का। और आप लोग कहते हो एसी लगवा ले, कहाँ से लगवाऊँ मैं एसी, बिजली का बिल कौन भरेगा, पता है कितना बिल आता है एसी का, है ना मम्मा। ले विहान खा ले, खा ले खुलवा दी इसने, चॉकलेट है बेटा ये ले मैं दूंगी, रुक जा लो खाओ। खा नहीं रहा, टेस्ट टेस्ट कर रहा है, अब कह रहा है जैम भी खोलो, तो अब हम ये जैम खोलेंगे, ये 5 रुपए का एक पैकेट है। हाँ दे रही हूँ, ये खाओ पहले। अच्छा जैम खाएगा, रही हमारी सारी उठा लेगा क्या, हाँ सारी उठा ली विहान, एक तो दे दे मम्मा को भी हो। क्या है विहान, मुंह भर लिया आपने तो सारा, देखना बाबू मुंह भर गया सारा। हाँ इसको जैम बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्या करूं और नहीं खोलूंगी, एक खत्म कर लिया बहुत है, एक मैं खाऊंगी यार, मैं भी तो कुछ खाऊंगी बेटा, सारी तेरे लिए थोड़ी लाई हूँ, एक मम्मा भी खाएगी। मुंह दिखाओ, मुंह का है विहान का, मुंह तो जैम से भर दिया पूरा बेटा, मीचू 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 भाग गया। हम भी खाएंगे, मैं खोलती हूँ इसको जैम, बच्चों को ना जैम पसंद आता है वैसे ना, मेरे को भी पसंद है वैसे ये वाली चीज, ये ना प्योर जैम है, ऐसा वैसा नहीं है, कहीं आप सोचो ये नकली भी आते हैं, ये कैडबरी का है देखो, 5 रुपए का एक पैकेट है, इसमें 9 जैम है टोटल। बाबू मम्मा तसले का क्या कर रहे, खाद लाने जा रहे हो, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मा, मम्मा पहाड़ों पे जा रही हैं खाद लेने, मम्मा दरवाजा बाहर से ही बंद कर दो, मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ हाँ ठीक है मम्मा, आ गए मम्मा आप, ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा, इतनी गर्मी है मम्मी, शाम को चले जाना, ठीक है ठीक है मम्मा। गर्मी बहुत है, मैं मम्मी को मना कर रही थी कि अभी मत जाओ शाम को चले जाना, मम्मा बोलते नहीं अभी चली जाऊंगी। मम्मी सब्जियां बो रहे हैं मम्मी खान के लिए कि भिंडी पसंद है। हाँ बेटा, हाँ मेरी रानो, ये मेरी रस मलाई, ये मेरी गुलाब जामुन, मेरी काजू कतली, दे दे मम्मा भी खाएगी, दे दे मम्मा को, दियो दियो दियो, बच्चे अपनी चीज जल्दी से देते नहीं है, दे दे।
तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वरना और बहुत सारी बातें करते, ढेर सारी बातें होती। अभी हो जाएगी मेरी तबीयत ठीक, आज पूरा दिन अब मैं आराम करने वाली हूँ। मैं कुछ ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, बस लेटूंगी लेटूंगी और सिर्फ लेटूंगी। अभी कूलर चला दिया, कूलर चलाने से ही थोड़ा आराम मिल रहा है। मुझे गर्मी लग गई है, मुझे लग रहा है थोड़ी लू लग गई है मेरे को बहुत गर्मी में। फिर ही ना अंदर से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, तो मैं पानी पीती रहूँगी ताकि पानी की कमी बिल्कुल ना हो। बेटा सबको बाय बोल दो, हेलो बोलो। मुँह का है यहाँ का।